नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, नया साल तो हर बार आता है और नए साल पर क्या इम्पोर्टेंट होता है कि हम बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि YouTube के ऊपर बहुत सारे लोग डाल रहे हैं कि नए साल में क्या रेजोल्यूशन लिया और नए साल में हम क्या अच्छा करने वाले हैं, माय फाइव लेसन्स फ्रॉम 2022, और बहुत सारे लोग इस तरीके के रेजोल्यूशन लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे तीन ऐसे रेजोल्यूशन जो मुझे लगता है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और मैंने लिए हैं, उसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज, आप इन तीनों चीज़ों को देख करके ये समझ सकते हैं कि हो सकता है कि ये तीनों चीज़ें मेरी मिस्टेक्स रही हो 2022 में या उससे भी पहले, लेकिन अब मैं इन तीनों चीज़ों के ऊपर सुधार करना चाहता हूँ, तो ये तीनों चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ जो मुझे लगती है जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि किसी भी चीज़ को देख करके, किसी के भी कमेंट को सुन करके या आपको किसी ने हर्ट किया उसको देख करके मैं रिएक्टिव नहीं होऊंगा। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि बहुत सारे लोग जैसे आपको बोलते हैं आपके मन मुताबिक काम नहीं होता है या जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं, तो मैं बहुत जल्दी रिएक्ट हो जाता हूँ। तो मेरा रिजोल्यूशन ये है कि 2023 में मैं रिएक्ट नहीं होऊंगा, क्योंकि दोस्तों ये मैंने महसूस किया है कि एक समय के बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि ये मैं क्या कर रहा था। तो ये नौबत ना आए, ये मैंने 2022 से सीखा भी है कि लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन्स आते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपके मन के मुताबिक जो आप चाहते हैं वो उस तरीके से काम करते हैं या रिस्पॉन्स करते हैं या आपके बात को मानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपके अगेंस्ट होते हैं, जिनके विचार आपके विचार से सिमिलर नहीं होते, और वो लोग वो होते हैं कि जो आपके अपोजिट जो चीज़ें होती हैं वो आपसे करते हैं। तो इसमें सही गलत कुछ नहीं होता, लेकिन आपका रिएक्टिव होना एक सबसे बड़ी नुकसान वाली चीज़ होती है। वाई? क्योंकि जब आप रिएक्टिव होते हैं, जब आप किसी भी चीज़ को देख करके एक रिएक्शन देते हैं तुरंत में, तो वो रिएक्शन का रिपरकेशन जो होता है वो लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। इट इज़ वॉट आई हैव डिसाइडेड फॉर माई 2023 कि किसी के रिएक्शन से मैं उसको किसी की बात को सुन करके मैं रिएक्ट नहीं करूँगा। एक बहुत अच्छी बात मेरे को याद आती है कि ये मेरी लर्निंग भी है कि आपने शायद अगर महाभारत देखी हो तो महाभारत में केवल पूरी महाभारत में एकमात्र करेक्टर थे जो कि कभी गुस्सा नहीं हुए, चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो वो हमेशा मुस्कुराते रहे, और वो हैं भगवान कृष्ण। तो उनसे मैंने ये सीखा है हमेशा कि स्थितियाँ कैसी भी हों हमेशा आप मुस्कुराते रहिए, हमेशा आप खुश रहिए। अगर आप खुश हैं, अगर आप मुस्कुरा रहे हैं, तो आप अपनी उस प्रॉब्लम को बोल रहे हैं कि देख मेरा साहस, मेरी हिम्मत, मेरी मेहनत तुझसे बड़ी है। तो ये एक लर्निंग है मेरी कि मैं रिएक्टिव नहीं होऊंगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि लर्निंग नंबर टू और जो रिजोल्यूशन भी है नंबर टू फॉर 2023 वो ये है कि मैंने बहुत समय से सोच के रखा हुआ है कि मैं सुबह उठ करके राइटिंग करना शुरू करूँगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप शायद जानते होंगे कि सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो आपके ब्रेन की, दिमाग की सोचने की शक्ति सबसे ज़्यादा तेज़ होती है, खासकर जो सुबह 5 बजे से लेकर के 6 बजे का टाइम होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है। तो उस समय में आपका ब्रेन की जो वेव्स होती हैं, जो वेवलेंथ होती है, वो बहुत फास्ट होती हैं। तो उस समय को मैंने चूज़ किया है कि मुझे बुक लिखना है, बहुत समय से दूसरी बुक मैं लिखने जा रहा हूँ, और ये बुक लिखने जा रहा हूँ सेल्स के ऊपर। और ये सेल्स पे बुक क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरा बहुत सारा जो करियर है वो सेल्स और मार्केटिंग में गुजरा है। तो सेल्स के ऊपर जो भी मेरी लर्निंग्स हैं, जितना भी समय बिताया, करियर बिताया है एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, एज अ फर्स्ट लाइन मैनेजर, एज अ सेकेंड लाइन मैनेजर, वो सारा का सारा मैं इसमें डालने वाला हूँ। और खासकर ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो मेरे करियर में हुई हैं, जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एक सेल्समैन के लिए जानना, वो सारी की सारी चीज़ें मैं इस बुक में डालने जा रहा हूँ और इस बुक को लिखने जा रहा हूँ। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि सुबह उठ करके अगर मैं 5-5:30 बजे उठता हूँ तो मैं रोज डेली 1-2 पेज लिखूँगा, ताकि फर्स्ट क्वार्टर जो है जनवरी, फरवरी, मार्च, ये कंप्लीट होते होते मेरे को एक बुक मेरे हाथ में होगी, और ये बुक वो मेरे सारे एक्सपीरियंसेस का निचोड़ या कह सकते हैं कि मेरी पूरी जर्नी जितनी अभी तक रही है सेल्स और मार्केटिंग में, उस सबका एक्सट्रैक्ट जो है वो मैं इस बुक में लेकर के आने वाला हूँ। तो डेली मैं 1-2 पेज लिखूँगा, और पॉसिबली 2 महीने जब कंप्लीट होंगे, जनवरी और फरवरी, तो मेरी ये बुक कंप्लीट होगी, और 1 महीना और लूँगा ताकि इसकी फाइनल एडिटिंग, इसका कवर पेज और इसका पब्लिशर मैं ठीक तरीके से ढूंढ सकूँ, और इस बुक को मुझको मार्केट में लॉन्च भी करना है। तो अगर आप ये यूट्यूब पे चैनल देख रहे हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि अभी इस महीने में बहुत सारे वीडियो जो है मैं उस बुक से रिलेटेड लेकर के आने वाला हूं कि कोई भी सेल्स और मार्केटिंग में जो व्यक्ति काम करता है तो उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें कि आप सोचते हैं कि आप सेल्स और मार्केटिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको उन बातों का ध्यान रखना है। तो इस
वीडियो को देखते रहिए, इस चैनल को देखते रहिए, यहाँ पर बहुत सारे इस बुक से रिलेटेड वीडियोस आने वाले हैं। तो ये तो हुआ रिजोल्यूशन नंबर 2। अब मैं तीसरे रिजोल्यूशन के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। दोस्तों, मैंने YouTube के ऊपर एक मिशन शुरू किया है, शायद आपने बाकी वीडियो देखे हों या नहीं देखे हों, यदि नहीं देखे तो अभी जाकर के देखिए, उसको बोलते हैं मिशन 1%। मेरा मानना है कि यदि मैं आपसे बोलूँ कि कल सुबह से आप 4 बजे से उठ करके योगा शुरू कर दीजिए, व्यायाम शुरू कर दीजिए, रनिंग शुरू कर दीजिए, तो आपके लिए इम्पॉसिबल सा होगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि केवल 1% आपको इम्प्रूवमेंट करना है, तो जो भी आप बनना चाहते हैं, जो भी आप सीखना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, उसमें केवल 1% इम्प्रूवमेंट करना है, जस्ट 1%, वो आपके लिए बिल्कुल पॉसिबल होगा। यदि मान लीजिए आप डेली 50 कदम चलते हैं, तो आपको उसमें 1% इम्प्रूवमेंट करना है, वो पॉसिबल है। यदि मान लीजिए आप डेली 20 kg वेट लिफ्ट करते हैं, तो उसमें 1% इम्प्रूवमेंट करना, वो आपके लिए पॉसिबल है। यदि आप रोज डेली आधा पेज पढ़ते हैं या एक पेज पढ़ते हैं, तो उसमें एक लाइन और आप पढ़ लीजिए, इतना सा इम्प्रूवमेंट करना है। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स एक बहुत बड़ा बदलाव और एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हमारे जीवन में लेकर के आ सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो इसी को देखते हुए मैं डेली, ये मेरा रिजोल्यूशन है 2023 के लिए भी, चाहे ऑलरेडी स्टार्टेड फ्रॉम 2022, 2023 में भी मैं इसको कंटिन्यू करने वाला हूँ। और ये है कि मैं डेली जिम जाऊँगा, और मैं ऑलरेडी जा रहा हूँ, और वहाँ जा करके 1% इम्प्रूवमेंट, जो भी कुछ करता हूँ, यदि मैं पुशअप्स करता हूँ तो उसमें 1% इम्प्रूवमेंट डेली करूँगा, यदि मैं वेट लिफ्टिंग करता हूँ तो उसमें 1% इम्प्रूवमेंट डेली करूँगा, यदि मैं ट्रेडमिल करता हूँ तो उसमें 1% इम्प्रूवमेंट डेली करूँगा, यदि मैं एप्स की एक्सरसाइज करता हूँ तो उसमें 1% इम्प्रूवमेंट डेली करूँगा, तो वो मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल है। और ये मेरे लिए पॉसिबल है, तो आपके लिए भी पॉसिबल है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसा एक काम जिसको कि आप बहुत समय से करने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं, तो बस कुछ मत कीजिए, कल से शुरू कीजिए कि मैं जो भी कुछ सोच रहा हूँ उसके लिए मैं करूँगा क्या। तो सोचने से कुछ नहीं होता, जो कुछ होता है वो करने से होता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आइडिया डजंट वर्क इफ़ यू डोंट वर्क ऑन दैट आइडिया। तो आइडिया कभी भी काम नहीं करता, क्योंकि आइडिया होता है, लोगों के पास बहुत ब्रिलियंट आइडियाज़ होते हैं, लेकिन वो आइडियाज़ जब तक वो इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आते, जब तक आप उसको डेली रूटीन में शामिल नहीं करते, डेली प्रैक्टिस में उसको इंक्लूड नहीं करते, उसका कोई मतलब नहीं होता। यहाँ जो डेफिशिट है, जो कमी है, ये आइडिया इम्प्लीमेंटर्स जो होते हैं उनकी है। आइडिया नेवर बिकम सक्सेसफुल इफ़ यू डोंट वर्क ऑन दैट आइडिया। सो आइडिया को एग्जीक्यूट करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि आपके पास में आइडिया है और आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, तो उस आइडिया का कोई मतलब नहीं है। दैट इज इक्विवेलेंट टू हैविंग नो आइडिया। तो इसीलिए आपने देखा होगा दोस्तों कि बहुत सारे जितने स्टार्टअप्स होते हैं, वो स्टार्टअप्स उन्हीं इस प्रकार के आइडियाज़ का आउटकम होते हैं जो लोगों के पास में होती है, और वो हमको बहुत अच्छा प्रोडक्ट या सर्विसेज या एक बहुत अच्छी चीज़ देकर के जाते हैं, और जिसको कि आने वाले टाइम में वो एक यूनिकॉर्न भी बना सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये तीनों जो रिजोल्यूशंस हैं, ये आपको कैसे लगे जरूर कमेंट में बताइएगा, और एक ऐसा रिजोल्यूशन बताइए जो आपने अपने लिए लिया है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए कि आप कौन सा 1% इम्प्रूवमेंट अपने अंदर लेकर के आने वाले हैं डेली, जिससे कि साल खत्म होते होते 365% आप इम्प्रूव हो सकते हैं। दिस इज व्हाट द पॉसिबिलिटी, एंड दिस 365% इज द ट्रांसफॉर्मेशन द लाइफ ऑफ एनीवन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरे इस चैनल को देखते रहिए, इस तरीके के वीडियो को देखते रहिए, और शायद इनसे आपकी कुछ मदद हो पाए, और इन वीडियो को बाकी लोगों के साथ में भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई विश दैट यूर ऑल अनफुलफिल्ड ड्रीम्स विल बिकम ट्रू एंड मैनिफेस्ट इन दिस ईयर 2023। थैंक यू सो मच।